बांग्लादेश के खिलाफ तीन मुकाबलों की ओडीआई सीरीज के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। टीम इंडिया के कप्तान बने रोहित शर्मा तो हार्दिक पांड्या हुए टीम से बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। भारत और बांग्लादेश के बीच तीन मुकाबलों की ओडीआई सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिरकार ये मुकाबले कब और कहाँ खेले जाएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इन मुकाबलों में टीम इंडिया की स्क्वाड क्या रहने वाली है, यानी कि किन किन खिलाड़ियों को टीम की स्क्वाड में मौका मिला है, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करे तो इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। तो उम्मीद है दोस्तों आप जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच तीन मुकाबलों की ओडीआई सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज का आगाज बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड का भी ऐलान हो चुका है। जहां पर भारतीय टीम की हम बात करें तो यहां पर टीम के कप्तान रोहित शर्मा रहने वाले। तो इसके अलावा बल्लेबाजी में विराट कोहली, शिखर धवन जैसे दमदार खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा है। तो वहीं पर गेंदबाजी भी इस बार काफी शानदार नजर आ रही है। तो वहीं पर टीम इंडिया के पास तीन विकेट कीपर बल्लेबाज भी मौजूद है, जिनमें ईशान किशन, ऋषभ पंत और केएल राहुल भी टीम का हिस्सा है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय टीम के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है, जो यहाँ पर कमाल का परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो ऐसे में हम बात करें यहाँ पर इन तीन मुकाबलों की ओडीआई सीरीज के पूरे शेड्यूल के बारे में, आखिरकार ये मुकाबले कब और कहाँ खेले जाएंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज का पहला ओडीआई मुकाबला जो कि ढाका में खेला जाना है, यह मुकाबला शुरू होगा 4 दिसंबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 पर। तो वहीं पर दूसरा ओडीआई मुकाबला ये भी ढाका में ही खेला जाएगा और यह मुकाबला शुरू होगा 7 दिसंबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30। तो वहीं पर तीसरा मुकाबला भी 10 दिसंबर को शुरू होगा और यह मुकाबला भी 12:30 पर ही शुरू होना है। यानी कि यहाँ पर ये तीनों ही मुकाबले ढाका में ही खेले जाने हैं। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करें इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की पूरी रणनीति की, आखिरकार टीम इंडिया किस स्क्वाड के साथ यहाँ पर हमें बांग्लादेश के खिलाफ खेलती हुई दिखेगी। तो दोस्तों, भारतीय टीम की बल्लेबाजी की हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा है। तो इनके अलावा बल्लेबाजी में शिखर धवन, विराट कोहली, साथ ही साथ यहाँ पर रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर और राहुल त्रिपाठी जैसे खिलाड़ी टीम का हिस्सा है। तो वहीं पर भारतीय टीम के पास ऑलराउंडर खिलाड़ी भी काफी शानदार फॉर्म में, यानी कि टीम के पास वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल जैसे तीन दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ी मौजूद है, जो यहाँ पर बल्लेबाजी के साथ साथ शानदार गेंदबाजी भी करके दिखा सकते हैं। तो वहीं पर विकेट कीपर बल्लेबाजों की हम बात करें तो यहाँ पर केएल राहुल, ऋषभ पंत और ईशान किशन टीम का हिस्सा है, जो कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। तो इसके अलावा गेंदबाजों की हम बात करें तो गेंदबाजी भी इस बार काफी शानदार नजर आ रही है, जहाँ पर गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चार, साथ ही साथ यहाँ पर यश दयाल भी टीम का हिस्सा है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो काफी शानदार टीम नजर आ रही है इस बार और इस मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस भी करने वाली है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से पहले ओडीआई मुकाबले में टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरना चाहिए, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।